पठानकोट के सरहदी इलाके दे विच ड्रोन इलाके की एक्टिविटी नू देखे जान तो बाद तीन अणचाते लोगों नू देखा गया है, जो कि बीती रात तीन बच्चों को पिस्तौल की नोक से स्कूटी खो के फरार हो गए। जानकारी अनुसार कल दोपहर वेले किसी पासों एक कार खोए जाने की सूचना प्राप्त हुई सी। उस घटना नू अंजाम देने वाले भी यह तीन लोग ही सन। इस घटना नू देखदिआं SSP पठानकोट वालों बीती देर शाम सारे थाने ते नाके नू अलर्ट किया गया अते शहर तो लंघन वाले हर वाहन की बारीकी दे नाल जांच करन दे आदेश भी जारी किए ने। इस संबंधी जो पीड़ित बच्चे नाल गलबात की गई तो उसने दस्या है कि वह कुछ समान लैन गया सी, जिथे तीन अणपछाते व्यक्तियों ने बंदूक की नोक से उन्हों को स्कूटी खो ली ते फरार हो गए। लैन आई फिर अं क्या भी इधरों चलने तो अं जिदा ही टर्न कर लगे तो उधर तीन मुंडे आए तो सिर पर बंदूक रख के कहते भी स्कूटी दे दो स्कूटी दे दो, तो मेरे इधर थोड़ी गन मार के गए तो उन्हें हिट किया तेन। हाँ क्या और बाकी गन सी तीन गन्ना ही तीन गन्ना सी तीन मुंडे नहीं मुंडे तीन सी गन्ना तीन मुंडे भी तीन सी ते बंदे बंद को बंदूक भी तीन। क्या उन्हें कोई फायर फूर कर दिया कुछ किया फायर मतलब इदा मारिया तो पटाका निकलिया है। दूजे पासे जदों इस संबंधी पुलिस अधिकारियों नाल गलबात की गई तो उन्होंने आख्या है कि साडियां टीमां वल्लों इस केस की जांच की जा रही है तो जल्द ही दोषियों नूं गिरफ्तार किया जाएगा। अभी रिसेंटली एक स्नैचिंग हुई है एक एक्टिवा मोटरसाइकिल दो बच्चों से, तो इसमें तीन लोग हैं ब्राउन कलर की एक्टिवा मोटरसाइकिल सीसीटीवी पे भी नज़र आती है, तो हमें तुरंत रिपोर्ट करें और अभी हम केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तुरंत जल्द से जल्द क्रैक करेंगे इस केस को, हमारी टीम्स लगी हुई हैं। क्या आपको पता है कि अभी दिन में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर ये सेम ही तीन बंदे थे जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने एक कार को स्नैच करने की कोशिश की थी, कुछ दूर तक उसको ले गए थे, बट हमारी तुरंत इन्फॉर्मेशन आने की वजह से और हमारे सारे नाका पार्टीज़ के अलर्ट होने की वजह से वो कार वो अबंडन करके फिर भाग गए वहाँ से।